सोनी लिव एक बार फिर से अपना कड़क कंटेंट लेकर के हमारे सामने आ गया है और वो है महारानी। ये वेब सीरीज देखने के बाद में एग्जैक्टली मुझे कैसा फील हुआ और आपको ये वेब सीरीज देखना भी चाहिए या नहीं, इसी बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो महारानी जो है राजनीति, आपने मूवी देखी होगी, राजनीति का एक सीक्वेंस है। इसको अगर राजनीति 2 भी रखते तो भी चलता था, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है कि ये कहानी जो है ऑल ओवर द इंडिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर में चल रहा है। और इसकी जो कहानी है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है अगर आपने इससे पहले जो भी पॉलिटिकल कॉन्टेंट आपने देखा होगा। तो मेरे अंदर से जो सबसे पहला चीज निकल कर आ रहा है इस वेब सीरीज को देखने के बाद में वो ये है कि भाई इसकी कास्टिंग एकदम परफेक्ट रखा गया है। मतलब हर एक इंसान इस वेब सीरीज के अंदर में जो भी दिखेंगे, भले से वो सीएम के असिस्टेंट हो या फिर हुमा कुरैशी हो या फिर हमारे तुम्बाड़ वाले भाई साहब जो कि इसमें मेन लीड में है, सीएम के रोल को प्ले कर रहे हैं। ये एक ऐसे सीएम है जो कि सीएम बनने के बाद भी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। हर बार जो है अपने घर जाते हैं साल में एक बार, और जाने के बाद बीवी की खरी खूटी सुनते भी हैं और उनकी सारी फरमाइश को पूरी भी करते हैं। और इस बार ये होता है कि बीवी कहती है कि आए हो तो दूध दोहो और दूध दोहने के बाद उसको बेच भी, और यही बन जाती है हेडलाइन। अब ये हेडलाइन जब बनती है तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होती है ऑपोजिशन वाली, वो सब के सब हिल जाती है कि ये जो है आने वाले टाइम पे सारा वोट ले जाएगा और कुर्सी कभी भी नहीं छोड़ने वाला। बस इसी इनसिक्योरिटी के वजह से जो इन पे हमला होता है, और हमला होने के बाद ये ना मरते हैं ना जीते हैं, यानी बीच में रह जाते हैं, यानी ये पूरा बेट पकड़ लेते हैं। उसके बाद से ऑपोजिशन पार्टी जो है पूरी तरह से जोर लगाती है कि भाई किसी और को कुर्सी दे दी जाए। लेकिन यहाँ पे आपको परेश रावल भी देखने को मिलेंगे नायक वाले। अब ये मैंने क्यों कहा है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जिस तरीके से वो हुमा कुरैशी को जबरदस्ती पकड़ कर घसीटते हुए ले जाते हैं सीएम के रूम तक जहाँ पे वो लेटे हुए हैं वेंटिलेटर पर, वहां पे ले जाकर के जिस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं, उसको देख करके बस नायक का अनिल कपूर और परेश रावल याद आ जाते हैं। और यकीन मानो सीएम के जो ये स्पोक पर्सन है ये एकदम वफादार है और ये जो है ना हर एक राजनीति जानते हैं। तो भाई ये जैसे तैसे करके हुमा कुरैशी को मना लेते हैं कि वो सीएम बनने वाली है। सीएम बनने के टाइम पे जो भी चीजें आप देखने वाले हो ट्रेलर से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, और ये सारी चीजें आपके लिए एकदम प्रिडिक्टेबल रहेगी, कोई भी चीज अनप्रिडिक्टेबल नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं इसके अलावा और भी कास्टिंग क्यू की जो कि यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है एक वो बंदा जो कि बहुत टाइम पहले मैंने शक्ति में देखा था नाना पाटेकर के साथ में, और वो भी जो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं ना बॉस, एकदम कड़क। इस पूरे कंटेंट का सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि ये कहानी बिहार की है और इसमें जितने भी एक्टर है उन्होंने वहां के एक्सेंट को एकदम परफेक्टली निभाया है और वो सारी चीजें जो है एकदम सूट करती है कंटेंट के साथ में। तो भाई स्टोरी की अगर एंड की बात करें तो धीरे धीरे हुमा कुरैशी जो है एक हाउसवाइफ से प्रो सीएम हो जाती है, और वो एक ऐसी सीएम होती है जो हर एक चीज को पकड़ना शुरू कर देती है। एक चीज और, ये वेब सीरीज मुझे अच्छा लगा पर हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे बिकॉज ऑफ लेंथ। ये 10 एपिसोड का है और आपका लगभग 7 से 7.5 घंटा ले जाएगी ये वेब सीरीज। अगर आपको ज्यादा लेंथी देखना नहीं पसंद तो शायद आप बोर हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को बहुत डिटेल में समझाया गया है और वो डिटेलिंग काफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्सेंट है ना वो एक्सेंट कमाल कर रहा होता है। इसके साथ जो पावर में बैठे हुए लोग होते हैं वो सिस्टम के साथ किस तरह से खिलवाड़ करते हैं और सिस्टम को किस तरह से अपने पैर की जूती समझते हैं, वो चीज भी यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। और रिलेट करने के लिए बिहार का ही बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी था। वैसे टाइम तो दिखाया जाता है 1998 का और वहां पे बिहार पटना और गोपालगंज का कहानी चल रहा होता है। तो यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी और जो अभी पार्टी रूल कर रही है इन दोनों के अलावा भी एक है जो कि भाई एक तरह का बागी कहलाता है, और वो बागी भी यहाँ पे अपना रोल बहुत अलग तरह से और बीच बीच में आके दर्शा के चला जाता है कि वो क्या कर सकता है। तो अगर ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये वेब सीरीज एकदम धमाकेदार है। अगर आपको राजनीति जैसी मूवी अच्छी लगी है तो ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और खास करके आपको एंटरटेन करने के लिए जो बिहार का बैकग्राउंड है इट्स जस्ट लाइक अ गंगा जल। जैसे कि प्रकाश झा की मूवी को देखते वक्त में आप देखते हो कि भाई बिहार क्या है और पटना क्या है, सो आपको देखना तो बनता है। सो दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन ऑन दिस कॉन्टेंट। मेरे हिसाब से एकदम ब्लॉकबस्टर है, आप भी जाकर के देखो अगर आपके पास है पूरा 7 घंटा एक ही टाइम पे है तो आपको मजा आ जाने वाला है। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइन ओवर एंड अस्ता ला विस्ता।